हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा एंड दीवान। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूं एक और रेसिपी वीडियो के साथ, जो कि आप अपने बेबी को 8 महीने के बाद इजीली दे सकते हैं। ये काफी अच्छा है बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और वेट गेनिंग के लिए। काफी न्यूट्रिशियस और काफी फाइबर रिच फूड है, तो आप इसको बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं और बच्चा इसे बहुत पसंद करेगा। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है। सेकंड में यहाँ पे ले रही हूँ पोहा, फ्लैटेंड राइस जिसको बोलते हैं। इसको हमें 2 बार अच्छे से वॉश करना है पानी से। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है, इसको पहले आपको 2 बार वॉश करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है 2 बादाम और 2 कैश्यू। 2 मैंने यहाँ पे डेट्स लिए हैं। डेट्स बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें काफी आयरन रिच है ये, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने ये अराउंड 60 ml मिल्क होगा, ग्लास का मैंने हाफ मिल्क लिया है। ये अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप मिल्क, ये मैं काउ मिल्क यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी 1 ईयर प्लस है। अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल वाटर ही यूज कर सकते हैं, मिल्क आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ओके, सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पे मैंने ये पोहे को 2 बार वॉश कर लिया है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट सा हो गया है, तो इसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे खजूर, डेट्स, ऐड करेंगे अपने कैश्यू और बादाम, बनाना, मिल्क ऐड करेंगे। ओके, अब हम इन सबको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये मेरे बेबी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको ये थिक लगता है आपके बेबी के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें दूध डाल के या अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करके इसको लूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा थिक रखा है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आप जरूर बना के देखिएगा, एक कंप्लीट मील है। जब आपको समझ में ना आए कि बेबी को क्या दे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत जल्दी से, कुछ नहीं करना, जल्दी बन जाता है। काफी हेल्दी है, बच्चे की आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज आपकी इस मील से कंप्लीट हो जाएगी। और वेट गेनिंग भी काफी देर तक आपके बच्चे के स्टमक को भी ये फिल रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए, न्यू मॉम्स के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।